नमस्कार दोस्तों, हमारे बीएस शर्मा बात द्वार चैनल में आप सभी दोस्तों का, माता बहनों का, भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हरिवंश पुराण की 24वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। हम हरिवंश पुराण में जो है आज की कथा में दत्तात्रेय भगवान के आगे गुरुओं का वर्णन कर रहे हैं। इस कथा को सुनने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, वैशंपा ऋषि कहते हैं कि राजन, भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज यदु से कहने लगे कि राजन, मैंने क्वारी कन्या को भी गुरु बनाया। क्वारी कन्या से क्या शिक्षा प्राप्त की? क्वारी कन्या से जो है मैंने शिक्षा प्राप्त की, मैं एक दिन जो है भिक्षाटन करने के लिए जा रहा था, एक गृहस्थ के दरवाजे पर पहुंचा, मैंने देखा कि एक गरीब किसान है, उसकी क्वारी बेटी है। किसान खेतों पे गए हुआ था, बेटी घर पे थी, उसी समय ससुराल वाले गोद भरने के लिए आ गए। उन्होंने बेटी को जो है सगन में चूड़ी कंगन आदि दिए थे, चुन्नी दी हुई थी, और उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे की जाए, पिताजी को आने में समय लगेगा, ये सोचकर के बेटी ने देखा घर के अंदर कुछ भी नहीं है। बेटी ने उस समय पर धानों को लेकर के कूटना शुरू किया कि धान कूट करके उखली से उसके बाद में इनको चावल बना के खिला दूं। पर जैसे कूटने लगी, हाथों में जो ससुराल से आए हुए कंगन से वो कंगन बजने लगे। मन में विचार करने लगी, कंगनों की आवाज जाएगी, ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि इसके मायके में कुछ भी नहीं है, अगर कंगन उतारती हूं तो अशुभ होता है। उसने अपनी बुद्धि से काम लिया, उसमें से सभी कंगन उतार दिए, केवल दो दो कंगन छोड़े। फिर कूटने लगी तो हल्की आवाज फिराने लगी, उसने उसमें से एक एक कंगन उतार दिया, एक एक कंगन हाथ में रहा और आराम से धान कूट करके सभी को खाना खिलाया। मैं सब देख रहा था, तब मुझे वहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ, बासे बहु नाम कले भवो वार्ता द्योरपि एक एक तरे तस्मात कुमाराय कंकरा। जहां पर बहुत से लोग रहते हैं वहां पर कलेश अवश्य होता है, कले होगा, ज्यादा बर्तन होंगे बजेंगे, ज्यादा लोग रहेंगे झगड़ा जरूर होगा। भवेद वार्ता द्योरपि, अगर दो भी होते हैं तब भी कलेश ना होगा तो बातचीत जरूर होगी। इसलिए एक एक तरे तस्मात, जैसे क्वारी कंगन, क्वारी कन्या के हाथ में कंगन था, एक एक रहने पर बजा नहीं, उसी तरह से सन्यासी को हमेशा अकेला विचरना चाहिए, चेले चपाते के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अकेला सन्यासी वितरण करे तो अवश्य ही वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। अगला गुरु जो है मैंने हाथी को बनाया, मैंने हाथी को देखा कि हाथी को पकड़ने वाले एक गड्ढा खोदते हैं और उसके ऊपर लकड़ी बिछा देते हैं और नकली हथनी खड़ी कर देते हैं। हाथी उस हथनी के चक्कर में जैसे आता है गड्ढे में गिर जाता है, पकड़ा जाता है। उसी तरह से ये संसार में माया जो है अनेक प्रकार के प्रलोभन देती है, स्त्री के रूप में, धन के रूप में, परिवार के रूप में हमें फंसाती है, परंतु इंसान उसी चक्कर में फंस करके इस माया के द्वारा गड्ढे में गिरा दिया जाता है, आखिर में मृत्यु का ग्रास बन जाता है। इसलिए कभी भी नकली हटनी रूपी इस संसार की मोह माया में मत पड़ो, धन कमाओ, परिवार को पालो, परंतु उसमें ज्यादा मोह मत रखो। यह मैंने उससे शिक्षा प्राप्त की। आगे चल के मैंने गुरु जो है अनेक प्रकार के पक्षियों को, जीवों को बनाया, जिनसे अलग अलग तरह की शिक्षाएं प्राप्त की थी। संसार में जो है मैंने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है, उन सब के विस्तार से कथा कहने में बहुत समय लग जाएगा राजन। मैंने सूक्ष्म रूप में संकेत ही दे दिया है कि जिससे जो शिक्षा प्राप्त करो, जिससे भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो हमारा गुरु ही होता है। पहला गुरु हमारी माँ होती है जो हमें शिक्षा देती है, संस्कार देती है। दूसरा गुरु हमारा पिता होता है, पिता हमें सब कुछ चलना सिखाता है, संसार की रीति रिवाज सिखाता है, संसार में रहना सिखाता है। उसके बाद में हमारा गुरु शिक्षा गुरु होता है, उसके बाद दीक्षा गुरु होता है, और हमारे जो पूजनीय हमें शिक्षा का रास्ता दिखाते हैं वो सब हमारे गुरु ही होते हैं।
इसलिए हमेशा गुरु का स्वागत सम्मान करो। इस प्रकार से दत्तात्रेय भगवान ने राजा यदु को ज्ञान दिया। महाराज यदु ने जो है प्रणाम किया, दत्तात्रेय भगवान का पूजन किया। दत्तात्रेय भगवान वहां से जो है परमहंस वृत्ति धारण किए हुए भ्रमण करने निकल गए। इसी तरह से राजन सन्यासी को अनेक तरह के नियम होने चाहिए। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन सन्यासी को चाहिए केवल 5 घरों से भिक्षाटन करें। 5 घरों से ज्यादा घरों से भिक्षा प्राप्त नहीं करें, क्योंकि ज्यादा घरों से भिक्षा प्राप्त करना मोह का कारण हो जाता है और कभी दूसरे दिन के लिए बचा के नहीं रखे। सन्यासी को जो मिल गया है उसी को ग्रहण कर लेना चाहिए, यही सन्यासी के धर्म कहलाते हैं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जो है इस तरह से द्वारका के अंदर उद्धव जी को अनेक तरह के ब्रह्म ज्ञान दिए, अपना रूप समझाया कि मैं सत हूं, रज हूं, तम हूं, मैं निर्गुण ब्रह्म हूं। अयमे वासमेवाग्रे नार्यद यत् परम पश्चादम यदि सस्य योऽवशिष्यते सोऽस्मम्। इस संसार में जब कुछ नहीं होता तब भी मैं होता हूँ, मेरा आदि नहीं है, मध्य नहीं है, अंत नहीं है, मैं निर्गुण हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण का कहना है। इस तरह से उद्धव जी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कुछ समय व्यतीत हुआ, कुछ समय के पश्चात जो है इधर भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे सुदामा। सुदामा जो है बहुत गरीबी में समय व्यतीत करते थे। सुदामा भगवान श्री कृष्ण से अति प्रेम करते थे। एक दिन सुशीला ने सुदामा की पत्नी ने कहा कि स्वामी आप अपनी सखा से मिलने क्यों नहीं जाते, आपकी सखा द्वारकाधीश है। सुदामा कहने लगा कि प्रिये मैं मौत निर्धन हूँ, वो राजाधिराज है, त्रिलोक के स्वामी हैं, मुझे जाने में लज्जा लगती है। सुशीला कहने लगी आप मांगने मत जाओ, मैं तो केवल ये कहती हूँ कि आप केवल अपने दोस्त से मिलने चले जाओ। मित्रता का धर्म यही कहता है कि मित्र की राजी खुशी अवश्य लेनी चाहिए। सुदामा जो है सुशीला से कहते हैं कि मैं ले जाने के लिए कोई भेंट नहीं है। सुशीला जो है अपने फटे पुराने कपड़े में चावल की पोटली बांध देती है, जिसे लेकर कि सुदामा द्वारकापुरी चले जाते हैं। द्वारकापुरी पहुंच करके सुदामा भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंचे और वहां जाकर के द्वारपाल से कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण से कह दूं कि आपका मित्र आपसे मिलने आया है। द्वारपाल ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु दरबार पर एक निर्धन ब्राह्मण खड़ा हुआ है, शीश पगा न जगा तक तन पर, ना जाने कहीं से आए जे जामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतलावत अपनो नाम सुदामा। जान की दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा है, सही पर उसके फटे पुराने कपड़े हैं, फटी सी धोती है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे सुदामा का नाम सुना उसी समय दौड़ पड़े और दौड़ करके जाकर के सुदामा को गले से लगा लिया और लाकर के सिंहासन पर बैठाया, उनके चरण धोए, चरणों में देखा कि चरणों के अंदर जगह जगह कांटे लगे हुए हैं, पूरे चरण चिन्ह छिन्न भिन्न है। भगवान श्री कृष्ण के आंखों से इतने आंसू बहे कि आंखों के आंसुओं से चरणों को धो डाला, इतना प्रेम था भगवान में भक्त वत्सल में। सुदामा को जो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से वस्त्र पहनाए, उनकी सेवा करने लगे, सभी सखियां हवा करने लगी। सुदामा जो है पोटली देने में शर्मिंदा हो रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की बगल से पोटली को खींच लिया और पोटली को खींच करके कहने लगे मेरी भाभी ने मेरे लिए भेंट भेजी और मित्र तुम मुझे दे भी नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण जो है उस पोटली की भेंट में एक मुट्ठी को खा गए तो एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी खा ली दूसरा लोग दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी आप ऐसा ना करें, आप त्रिलोक दे करके क्या मुझे भी इनके अधीन कर दोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा रुक्मणी ये तो मेरा स्वामी है,
ब्राह्मण जो है अपना सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आ जाता है, जिन्होंने मेरे जीवन के लिए मुझे पाने के लिए सब कुछ मेरे अर्पण कर दिया है, तो मैं उनको अपने आप को अर्पण क्यों नहीं करूं। रुक्मणी ने कहा, स्वामी आप जो त्रिलोकी नाथ हो, आप त्रिलोक देकर के स्वयं भिखारी ना बनो। भगवान श्री कृष्ण ने दो लोक की संपत्ति सुदामा को दे दी, विश्वकर्मा के द्वारा सुदामा पुरी का निर्माण कराया। सुदामा कई दिन द्वारका में रहे, उसके बाद में विदा हुए। विदा होते समय भगवान श्री कृष्ण ने वही पुराने कपड़े उनको दे दिए। सुदामा मन में सोच रहे हैं, मेरा दोस्त जो है मित्र कितना बड़ा राजाधिराज है, इन्होंने मेरे लिए कुछ बेटी नहीं दी, लग रहा कंजूस बना भी गया नहीं है। पर भगवान श्री कृष्ण इसलिए दिए थे कि ये लोग ये नहीं कहें, ये तो स्वाभिमानी ब्राह्मण बनता था, आज भगवान के यहां से धन लेके जा रहा है, ये धन मांगने आया था। सुदामा मन में विचार करते हुए सीधे सुदामापुरी पहुंचे, पर जाकर के चौंक गए, पूरी सुदामापुरी सोने की बनी हुई है, द्वारका जैसी दिखाई दे रही है। सुदामा सोचने लगे, घूम करके द्वारका ही आ गया हूँ। उसी समय सुशीला आ गई, कह लगी, स्वामी आप द्वारका नहीं सुदामापुरी आ गए हो, ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा ने देखा कि मेरे साथ साथ पूरी नगरी को ही सोने की बना दिया, ऐसा दयालु है जिसके बारे में इतना सोच रहा था। सुदामा ने कहा, देवी अब आप जो इसी महलों में विश्राम करो, मैं कुटिया बना करके अपने स्वामी का भजन करूंगा। तभी तो कहते ना, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की आदत है स्वामी की, उनकी कृपा की आदत को जो है मैं खोना नहीं चाहता। मेलों में रहकर के कहीं मोह माया मुझे जकड़ नहीं ले, ये कहकर के सुदामा जो है उसी समय कुटिया बना के कुटिया में भजन करने लगे। यही भक्त की महिमा होती है, भक्त कभी भी मोह माया देख करके कभी भी उसमें डूबता नहीं है, मोह जाल में नहीं फंसता। सुदामा जो है कुटिया में आनंद से रहने लगे और भगवान श्री हरि का भजन करने लगे। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण ने देव की माता के 6 पुत्रों को लाकर के भी दिया और उन्हें मोक्ष प्रदान करा। माता देवकी का जो है और वसुदेव जी का 9 निमियों के द्वारा उद्धार कराया, उनको मोक्ष ज्ञान प्राप्त कराया। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के साथ साथ फिर दंत वक्र आदि का भी वध किया, अनेक राक्षसों से पृथ्वी को जो भारभूत किया। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, अर्जुन की स्वयं रक्षा भी करी। हनुमान जी को 33 करोड़ देव देवताओं का भार लेकर के अर्जुन के रथ में बैठकर के अर्जुन की रक्षा करते हुए धर्म की विजय कराई। यही भगवान की भक्त वत्सलता है, भगवान अपने भक्तों के लिए सारथी तक बन जाते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान की शरण में जो नहीं जाता, उसके बराबर कोई दुर्भाग्य की नहीं है। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन आज के अध्याय को यहीं पूर्ण करते हैं। दोस्तों आज की कथा का यहीं विश्राम करते हैं। हम कल तक की कथा में मुख्य सूक्ष्म रूप से जो है पूर्ण रूप से, कल की कथा थोड़ी बड़ी हो जाएगी 5-7 मिनट, तो उसमें जो पूरा निचोड़ लेके 25 दिन के अंदर ही हरिवंश पुराण का मुख्य जो सारांश है, पूरी हरिवंश पुराण सुनाए तो कई दिन लग जाएंगे, तो हमने जो सारांश है वो सुनाया है, उसे सुनाएंगे। आप सभी को जय श्री राधे। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।